नालंदा जिले के चिकसौरा थाना क्षेत्र के बुराड़ी गांव के रहने वाले फंटूस कुमार को 14 नवंबर की सुबह 7 बजे गोली मारी गई। इस घटना में फंटूस कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फंटूस कुमार को लेकर उनके परिजन नालंदा के हिलसा अनुमंडल पहुंचे, जहां से उनको बेहतर इलाज के लिए राजधानी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार 14 नवंबर को सुबह 9 बजे फंटूस कुमार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया था, जहां पर उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन 15 नवंबर की रात डॉक्टर ने बताया फंटूस कुमार की मौत हो गई है। मरीज की मौत की खबर मिलने के बाद जब उनके परिजन उसे देखने के लिए अस्पताल पहुंचे, तो फंटूस का शव देखकर उनका दुख गुस्से में तब्दील हो गया। फंटूस कुमार को बेहतर इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी एक आंख गायब थी। मृतक के परिजनों की माने तो उनकी बाईं आंख को निकाल लिया गया है। जब उन्होंने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उनको अस्पताल से बाहर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ फंटूस कुमार को जब गोली मारी गई थी, तब उनकी पत्नी के बयान पर मदन प्रसाद, सदन कुमार, अवधेश प्रसाद और मिलन कुमार के खिलाफ प्राथमिक भी दर्ज की गई थी। मृतक के भतीजे अंकित कुमार ने बताया 6 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। वह एक पब्लिकेशन कंपनी में काम करते थे। पारिवारिक लड़ाई में उनके चाचा यानी फंटूस को विरोधी पक्ष के लोगों ने गोली मार दी थी। इस घटना पर स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी प्रारंभिक जांच हुई है। यह बात सच है कि एक आंख मिसिंग है। इस संबंध में NMCH के डॉक्टर से बात हुई है। एक टीम का गठन किया जा रहा है, जिसे जांच की जिम्मेदारी दी जाएगी। दौरान एक घंटा दौरान बाद उसको निकाल दिया गया, रेफर कर दिया गया कि नहीं करेंगे। फिर हम लोग बहुत पैर पड़े तो फिर अंदर ले गया और का किया इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और बोला कि 24 ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हुआ 43 में, तो बोला कि आपका मेरी 24 घंटा में रिकवरी हो जाएगा। 43 दिन में की रात में 24 घंटा में रिकवरी हो 43 दिन में की रात में दिन 40 पीएम में है, ठीक है, दिन में। और बोला कि रिकवरी हो जाएगा, यानी फ्राइडे को 43 में आपका पेशेंट रिकवरी हो जाएगा। रात भर रिकवरी था और जिस टाइम रिकवरी होना था उसी टाइम उनका मृत्यु हुआ। ये सब इतना घटना है। और सुबह क्या देखे आप? सुबह हम लोग देखे जब मतलब मान लीजिए मेरा 8 बजे बॉडी का डॉक्टर सब सजेशन दिए कि आपका जो मृत बॉडी है जो आपका डेड हो गया, यानी तब डेड हो गया बॉडी। तो हम लोग तो बंधक बांधे हुए थे, हम लोग तो हृदय तो जताए हुए थे, ऐसे भी तो मालूम सके थी। और जब हुआ आए पूरा हम लोग भाई वगैरह अंकल वगैरह सब जौची हुए लोग बोले एकदम टाइम से देते गए, चाहे ब्लड हो हमारा, चाहे दावा हो हमारा, चाहे कुछ भी हो, टाइमली से हम पहुंचाते भी हैं। कंडीशन ठीक था। जब ऑपरेशन हुआ तो बोला कि 90% आपका मरीज क्या हो गया, अच्छा हो गया, बिल्कुल एकदम सेफ हो गया, बस अब इसको होश आना है, 24 घंटा में रिकवरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और 24 घंटा की जगह जब सुबह टाइमिंग हुई तो क्या हुआ कि मतलब जो मरीज थे मेरे अंकल जो फंटूस कुमार मेरे चाचा हुए उनका और तबीयत बिगड़ना स्टार्ट हो गया, बीपी एक बैग का थी कम हो गया। नहीं, रात में क्या हुआ, रात में कितने बजे तक थे? रात में 12 बजे लग था हम लोग देखे, ठीक है ना, ठीक थे उस समय हम लोग देखे तो उस समय ठीक थे। 12 बजे के बाद सब हम लोग जो हटे उसको बाद जब गए सुबह 2 बजे उसको बाद गए, कोई लगता है शायद बोल रहे थे 2 बजे गए, और उसको बाद सुबह जब 6:30 बजे जाके देखते हैं तब मरीज का एक आंख निकाला हुआ रहता है जिसमें ब्लेड वहाँ पड़ा हुआ है। अभी भी हमारा वीडियो है देखिए। अभी तो बहुत ही प्रारंभिक जाँच हुई है। ये बात सत्य है कि एक आंख उनकी मिसिंग है, और इस चीज़ पर अभी नालंदा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से भी बात हुई है। तो एक टीम का गठन किया जा रहा है जो विशेष रूप से इस बात पे सभी बिंदुओं की जांच करेगी कि ये जो घटना हुई है ये क्या इंजरी कारित है या किस प्रकार से इस चीज़ को अंजाम दिया गया है। अभी हमारी पुलिस के पदाधिकारी भी यहाँ पर हैं, वो सभी लोगों का बयान ले रहे हैं, CCTV फुटेज वगैरह भी चेक कर रहे हैं, और जो भी इस चीज़ में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी आप सबको अवगत कराया जाएगा। पटना NMCH प्रशासन की करतूत ने शर्मसार किया है बिहार को। मानव अंगों की तस्करी के सबूत आए हैं सामने, आंख निकाल ली गई है एक मृत युवक, और प्रशासन क्या कर रहा है अस्पताल का कि चूहा कुदर दिया, हमने टीम गठित कर दी है। अरे भैया आईसीयू से कैसे आपको चूहा कुदर देगा भाई? बिहार में कभी शराब पी जाता है चूहा, कभी बांध काट देता है चूहा, ये क्या हो रहा है बिहार में भाई? शासक का चेत उनको पता ही नहीं है। अरे हमारे हिलसा के हुड़ारी गांव का नालंदा का युवक जो गोली के शिकार हुआ था, मृत होने का उसके आंखें निकाल ली गई, और प्रशासन
दलील दे रहा है इस तरह का। वहीं एनएमसीएच के डायरेक्टर ने बताया कि मरीज की सर्जरी हुई थी, इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से बाई आंख मिसिंग हुई है। इसकी इंक्वायरी की जा रही है, पुलिस भी जांच कर रही है, अस्पताल प्रशासन भी जांच कर रहा है, हर लेवल पर इस मामले को देखा जा रहा है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। आंख निकाली गई है या चूहे के द्वारा इसे निकाला गया है, यह पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगा। मृतक के पास से एक ब्लेड भी मिली है, जिसके बारे में अस्पताल प्रशासन ने कहा कि यह वह टांका काटने वाला ब्लेड है। इस मामले की सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही पता चलेगा। टीवी 9 के लिए पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।